أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم। एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़े नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि आपके पास सिर्फ दो दिन में इतनी दौलत आएगी कि सारे रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी ये अमल बताओ। मज़े नाज़रीन, गैब से दौलत का ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि सिर्फ दो दिन में वहाँ वहाँ से दौलत आती है कि बंदा खुद परेशान हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, कलाम इलाही में इतनी ज़्यादा ताकत है कि बयान से बाहर है। ये एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है जिसने भी आजमाया, दो दिन में मालदार हो गया। चाहे मर्द हो या ख्वातीन, अपने पर्स में दो दिन ये चीज़ रखनी है। तीसरे दिन पर्स पैसों से भर जाएगा। हमारे कहने पर सिर्फ दो दिन आप ये अमल करें, फिर आपने हमें कमेंट में बताना ज़रूर है कि कैसे आप पर अल्लाह की रहमत हुई और आप माला माल हुए। वीडियो का तरीका अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मज़े नाज़रीन, अमल का तरीका ये है कि आपने बेरी के साथ पत्ते लेने हैं जो सब्ज़ हों, यानी बेरी के ताज़े पत्ते तोड़ें। मज़े नाज़रीन, बेरी के पत्ते जादू टोना, कारोबार की बंदिश, रिश्तों में रुकावट के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। और वैसे भी बेरी जन्नत का फल है तो इसके बहुत ज़्यादा फवायद होते हैं। आपने इन सात पत्तों से बारी बारी एक एक पत्ता उठाना है, उस पर सात सात मरतबा अल्लाह पाक के ये दो इस्म मुबारक, या कहारू या जब्बारू, सात सात मरतबा पढ़ना है। इस तरह एक एक पत्ता दम करके पर्स में रखते जाना है। इसी तरतीब से सातों पत्ते पर्स में रख लेने हैं। चुपके से ये अमल करना है, किसी को बताना नहीं। दो दिन आपने ये अमल करना है, तीसरे दिन आपने बटुआ खोलना है, फिर आप देखेंगे कि ऐप से पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, हर कहीं से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। ये पत्ते आपने पर्स में महफूज रखने हैं, कभी भी आपके पर्स से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। ख्वातीन भी अमल कर सकती हैं और मर्द भी। इस वजीफे की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये अमल आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मज़े नाज़रीन, हर जुमा को हमारे यहाँ दरूद पाक की महफ़िल होती है। अगर आपका भी कोई मसला है जो काफ़ी दिनों से हल नहीं हो रहा, तो आपने कमेंट में अपना मसला और अपना नाम लिख देना है। इंशाल्लाह ताला हम इस खसूसी महफिल में आपके लिए स्पेशल दुआ करवाएंगे। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सबको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रिज़्क दे और आपके जो गम परेशानियां हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए, और आपकी जो जायज दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।